बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफिस समुंदरी। इस वक्त ये एक मोडे कमाद का खेत है, इसमें मैं खड़ा हूँ। अक्सर जो मोडा कमाद होता है उसमें कह लें कि एक सफ़ेद रंग के जो शगुफे हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी आज मैं असल वजह आपको बताऊँगा। ये एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं शुगर केन वाइट लीफ डिज़ीज़। इसी तरह दूसरी बीमारी है शुगर केन ग्रासी टॉप। तो ये जो सफ़ेद शगुफे निकलते हैं इस फील्ड में, एक जगह मैंने देखा वो मौजूद है, तो इसकी मेन वजह जो है वो लीफ हॉपर का अटैक है। तो ये किसी न्यूट्रेंट की कमी नहीं है बल्कि लीफ हॉपर का अटैक है। तो लीफ हॉपर क्या करता है कि यहाँ से रस चूसता है, तो इसमें ये एक बैक्टीरिया को दाखिल कर देता है, तो उसको हम कहते हैं फाइटोप्लाज्मा। जब ये फाइटोप्लाज्मा इस पौधे का हिस्सा बन जाता है, तो इस हवाले से फिर इसका जो है वो शगुफा जो है वो सफ़ेद हो जाता है। इसी तरह अगर शगुफों की तादाद भी आपको ज़्यादा नज़र आए और वो ग्रास टाइप यानी कि घास नुमा वो ज़्यादा तादाद में निकलना शुरू हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं शुगर केन ग्रासी टॉप। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं इसकी वजह जो है वो लीफ हॉपर, आप आम जबान में उसे तेला कह लें, उसके अटैक की वजह से जो वो इसमें बैक्टीरिया दाखिल करता है, उस वजह से जब वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, पौधे की बॉडी का हिस्सा बन जाता है, तो फिर वो सफ़ेद हो जाता है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जितने भी तेला कंट्रोल करने वाली दवाई है वो अभी आप स्प्रे कर सकते हैं, उसके कम से कम दो स्प्रे आप करें, यानी कि जिस तरह अप्रैल के शुरू में एक स्प्रे करें, फिर आप 15 दिन के वक्फे से एक स्प्रे दोबारा रिपीट करें, जिसमें कि नाइटन पायरम एक जहर है, इसी तरह डाई नोटिफिरान है, इसी तरह नाइटन पायरम प्लस पमिट्रोजीन के नाम से फिनावका के नाम से भी एक जहर आता है। तो जितने ये तेला कंट्रोल करने के लिए जहर हैं उनमें से कोई भी जहर आप इसको स्प्रे करें, ताकि जो वो प्लांट हॉपर है इसके ऊपर अटैक ना करे, क्योंकि ये किसी न्यूट्रेंट की कमी नहीं है। जो नाइट्रोजन की कमी की अलामत है उसमें ये होता है कि वो नीचे वाले पत्ते पीले होते हैं, सारा पौधा सफ़ेद नहीं होता। इसी तरह अगर हम पोटाश की कमी की तरफ जाएं तो उसमें जो पत्ते के मार्जिन हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, पीले होकर सूख जाते हैं। इसी तरह अगर हम फास्फोरस की कमी की तरफ जाएं तो उसमें ये होता है कि जामनी कलर के पत्ते हो जाते हैं, उसकी बड़ी वाज़ेह अलामत है। इसी तरह अगर हम सल्फ़र की कमी की तरफ जाएँ तो उसमें भी आप कह लें कि नए पत्ते जो हैं वो पीले होते हैं। इसी तरह अगर हम कैल्शियम और इसी तरह मैग्नीशियम की कमी की तरफ जाएं, मैग्नीशियम में ख़ास तौर पे जो है वो इंटरवेनल क्लोरेसिस हो जाती है, यानी कि उसकी जो रगें हैं वो कह लें कि वो रहती हैं सब्ज़, लेकिन उसका जो दरमियानी हिस्सा है वो उसका रंग जो है उसका जो सब्ज़ मादा है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम और मैंगनीज की कमी है, तो ये जो है ना कमी की अलामत है जो मैंने आपको बता दी है। इसी तरह जो कैल्शियम की कमी की अलामत है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसका कद छोटा रह जाता है, स्टंटेड जिसे ग्रोथ कहते हैं, तो वो उसी जगह पर जो है वो अपनी ग्रोथ करता है, बड़ा नहीं होता, तो ये कैल्शियम की कमी की अलामत है। तो ये जो सफ़ेद रंग का कह लें शगुफे निकलते हैं, इसकी मेन वजह ये है जो लीफ हॉपर इसके ऊपर अटैक करता है। तो इसके लिए मैंने आपको जो केमिकल बताए इनको स्प्रे करें, ताकि जो मोडा कमाद फोड़ कर रहा है वो हम उसको फोड़ को महफूज कर सकें और इस बीमारी से महफूज रख सकें। शुक्रिया।